सूर्य नमस्कार को तो मैं नित्यदिन जाता हूँ, पर मेरे जागने से पहले ही आप जाग जाती हैं। वो इसलिए स्वामी कि भोर होते ही सबसे पहले मैं आपका मुख देखूं। सूर्य देव भी नहीं, सत्य तो ये है कि मेरी भोर आपका मुख देखकर ही होती है। आप बहुत धनवान है देवी, ईश्वर ने बड़ी उदारता से कार्य लेकर अपने कोष से सुंदरता और पातिव्रत धर्म आपको प्रदान किया है। ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है सब आपके लिए ही दिया है स्वामी। आप मेरे शरीर के भी स्वामी हैं और मेरे प्राणनाथ भी। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, इस समस्त क्षेत्र में ना आप जैसी कोई सुंदर नारी है, ना आप जैसी कोई पति सेविका। रात ढल रही है, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। आपने चंद्रदेव, कितनी सुंदर नारी है अहल्या और कितनी प्रतिव्रता भी। जब से मैंने उसे देखा है मुझे किसी पल चैन नहीं, हर घड़ी उसकी सुंदर छवि मेरी आंखों में घूमती रहती है। इंद्रलोक की सुंदरतम अप्सरा भी सुंदरता में उसकी तुलना नहीं कर सकती। किंतु देवराज, आप चाहते क्या हैं? मैं उसे पाना चाहता हूं, उसकी सुंदरता पर अपने प्रेम की पुष्पांजलि चढ़ाना चाहता हूं, उसके यौवन का रसपान करना चाहता हूं। तो फिर जाइए उसके पास और कह दीजिए अपने मन की इच्छा, आप भी जान लेंगे कि वो क्या है। नहीं चंद्रदेव, नहीं, मैं जानता हूं वो क्या है। यदि मैं उसके पास पहुंच गया तो मुझे ज्ञात है वो क्या करेगी। तो आप क्या करेंगे? भूल जाइए उसे। उसे भूल पाना मेरे वश की बात नहीं है। तो क्या उसे पा लेना आपके वश में है? हां, यदि तुम मेरी सहायता करो तो। मैं क्या कर सकता हूं? तुमने देखा है कि ऋषि गौतम तुम्हारे क्षितिज से हटते ही सूर्य देव के दर्शन को अपने आश्रम से निकलता है। देवराज, वो सब तो मैं देख चुका हूं, आपका उद्देश्य क्या है? तुम्हें कल अपने क्षितिज से हटने के निर्धारित समय से पहले कुछ समय के लिए आकाश से लुप्त होना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप करना क्या चाहते हैं? जो मैं कह रहा हूं वो करो, शेष मुझ पर छोड़ दो। मैं क्या करता हूं तुम स्वयं देख लोगे। मैं केवल यह चाहता हूं कि ऋषि गौतम तुम्हें आकाश में ना पाकर यह समझे कि भोर होने वाली है। और फिर हे देवराज, एक बार आप फिर सोच लीजिए, जो आप करना चाहते हैं वो उचित भी है अथवा नहीं। चंद्रदेव, अहल्या की सुंदरता ने मुझे उचित अनुचित से बहुत दूर कर दिया है। तुम वो करो जो मैं कह रहा हूं। परंतु देवराज, यह हमारा आदेश है। जो आ गया। ये क्या, भोर हो गई और आज मेरी आंख नहीं खुल पाई? मुझे भी आश्चर्य है स्वामी, आज रात इतनी शीघ्र कैसे ढल गई? मैं अभी आती हूं।
इतना शीघ्र लौट आए? क्या आप सूर्य नमस्कार के बिना ही लौट आए? हाँ। क्यों? स्वामी बताइए ना, आप इतना शीघ्र क्यों लौट आए? सूर्यदेव के दर्शन को जाते जाते मुझे आपके मुखचंद्र का ध्यान आ गया। मैं विचलित हो उठा। मेरे मन ने कहा कि यदि मैंने लौटकर आपके मुखचंद्र के दर्शन नहीं किए तो कदाचित सूर्यदेव भी मेरी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। स्वामी यह आज आपको क्या हो गया है? यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। मेरा संयम टूट गया है देवी। आपके स्मरण ने मुझे सब कुछ भुला दिया। आपकी सुंदरता, आपके यौवन ने मुझे सब कुछ भुला दिया। मुझे और व्याकुल ना कीजिए। अपने अधरों की मदिरा से मेरे प्यार बुझा दीजिए। मुझमें देवराज के आदेश की अवहेलना करने का साहस नहीं था, किंतु मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है। बहुत समय बीत गया है, अब मुझे लौटना होगा। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे ये क्या, चंद्रदेव? माता गंगा तो अभी तक सो रही है, रात्रि अभी शेष है। कहां लुप्त हो गए थे? अभी तो सूर्योदय में विलंब है, मुझे आश्रम लौट जाना चाहिए। वास्तविक रूप दिखा मुझे। तो ये तू है इंद्र? जघन्य पाप तूने किया है। जाओ, मैं तुझे शाप देता हूं कि जिस वास्ता ने तुझे ये पाप करने पर विवश किया था, तू आज के उपरांत उसके योग्य ही नहीं रहेगा। दूर हो जा मेरे सामने से, दूर हो जा। नहीं नहीं स्वामी, इतनी कठोर दृष्टि से मुझे मत देखिए, मैं निर्दोष हूं। नहीं, तूने इंद्र के जघन्य पाप में उसका सहयोग दिया है। वो आपका वेश धारण कर आया था, मैं समझी आप ही हैं। किंतु वो मैं नहीं था, अब तो ये तू जान चुकी है। मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है। इस एक क्षण ने तेरे सारे जीवन की सेवा पर पानी फेर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। क्षमा
कदापि नहीं। तेरा शरीर अपवित्र हो चुका है, तेरी आत्मा अपवित्र हो चुकी है। जाओ, मैं तुझे शाप देता हूं, इसे क्षण तू पत्थर बन जाओ।